तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में। अभी मैं हूँ लेटविया में, यहाँ 20 तारीख को आ गया था और आज 26 है। 7 दिन मैं यहाँ रुका अपने विवेक भाई के घर। 3 दिन तो वो थे ही नहीं घर पे, वो फिनलैंड चले गए थे। पर देखो कैसे सब्सक्राइबर मिले भाई, घर पूरे का पूरा दे के चले गए कि अपनी चाबी वहीं छोड़ जाना और मैं फिनलैंड जा रहा हूँ। और आज ही रात को आएंगे, पर आज मेरे को निकलना है लेटविया के लिए। मेरी बस है लगभग 1 घंटे में और काफ़ी लग्जरी बस है। मैंने जानबूझ के ना लग्जरी बस बुक कराई है, यूरोप की सबसे ज़्यादा लग्जरी बस कहते हैं उसको। तो वो आपको दिखाऊंगा मैं इस वीडियो में कैसी है। लगभग 4.5 घंटे की जर्नी रहेगी। और आज एक चीज़ और हुई है 26 मार्च को कि एस्टोनिया, ये जो ईस्टर्न यूरोप है ना, ये 1 घंटा टाइम में आगे चला गया है, जिसको डेलाइट सेविंग कहते हैं। रात को 3 बजे हुआ ये, और मतलब जैसे रात के जब 3 बजे होंगे ना, वो डायरेक्ट 3 बजने की जगह सीधा 4 बज गए होंगे वो। तो ऐसा होता है कि 2:59 के बाद सीधा 4 बजते हैं और सर्दियों में 1 घंटा पीछे चला जाता है, ऐसा होता है। तो अब चलो बस लेते हैं और बस स्टेशन तक जाते हैं। तो भाई शायद इस बस में ना सिस्टम है कि जो ड्राइवर के पास वाली मशीन है ना, उसी पे आप मतलब अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड को टैप करके पैसे कटवा सकते हो। मैं अपनी सीट वाली पास वाली पे कर रहा हूँ, कट नहीं रहे। फिर मैंने कहा भाई अब, पहले होता तो मैं डर जाता, पर अब मैं इतना डरता नहीं हूँ। अब क्या है कि भाई फाइन भर देंगे, पर मैं इतनी भड़क नहीं लेता अब कि भाई ड्राइवर से जाके पूछूं मेरे पैसे नहीं कट रहे ये वो। तो आ गया बैठ के बिना टिकट के, मैं अब क्या करूं भाई मैं। तो चलते हैं, पहुंच गए वैसे बस स्टेशन पे। भाई हमने जो टिकट बुक करी है ना भाई, वो करी है इस वाली कंपनी की, लक्स एक्सप्रेस की। और इसमें भी 2 तरह की सीट आती है, नॉर्मल और लग्जरी वाली। तो मैंने लग्जरी वाली बुक करी है। और ये देखो कहाँ कहाँ जाती है बस, मिन्स्क, विल्नस, टालिन, पीटर्सबर्ग, रीगा, वॉर्सो, तार्तु, मॉस्को, हेलसिंकी। तो हम जा रहे हैं आज रीगा, जो कि है लेटविया की कैपिटल। ये आ गया बस स्टेशन, 8 नंबर से आएगी अपनी बस ना, 7 और 8। दिखा रहा भाई अपना 8 नंबर पे, टालिन से रीगा, लक्स एक्सप्रेस लाउंज, जिस लक्स एक्सप्रेस एस्टोनिया एयर्स लक्स। अबे क्या है ये लाउंज, जिस पे लिखा है ना, वो लग्जरी वाली बस है मतलब इनकी। अभी लगी नहीं है, कहीं वेट करते हैं, या तो बाहर बैठ के करना पड़ेगा या फिर अंदर जगह होती तो अंदर जाता हूँ। ये थी भाई अपनी सीट, पूरा निकल जाता है, टीवी भी था, चलता है, अभी तो बंद हो गया। हम पहुंच गए हैं एग्जैक्ट टाइम पे रीगा। ये वाली महंगी वाली सीट थी, आगे सस्ती वाली है। ये सस्ती वाली है, टॉयलेट भी है, खाने पीने का भी था, चाय वाय। तो भाई बस में पहुंचा दिया था टाइम पे, और मेरे को काफ़ी भूख लगी थी, मेरे को लग नहीं रहा था इतनी भूख लगेगी, पर काफ़ी भूख लग गई थी। और बस स्टेशन पे भाई लेने आ गए थे हमको अपने हिमांशु भाई गुजरात से, और सीधा रेस्टोरेंट लेके आ गए। ये गन बाय करके रेस्टोरेंट है, यहाँ पे फेमस है ना काफ़ी, है इसकी ब्रांचेस भी हैं। तो है तो मतलब पूरा लग्जरी सा रेस्टोरेंट लग रहा है, और ये मतलब एशियन है, सिर्फ इंडियन नहीं है, एशियन है। हमने खाना इंडियन मंगाया, तो आपको पहले खाना दिखाऊंगा फिर बताऊंगा बिल कितना है। यहाँ पे बहुत सस्ता लगा भाई मेरे को, और रेस्टोरेंट आप देख सकते हो भाई, पूरा लग्जरी टाइप सा लग रहा है, पर फिर भी काफ़ी सस्ता है भाई यहाँ पे। हाँ एक चीज़ हो रहा है, यहाँ पे रेस्टोरेंट में हाफ और फुल का नहीं था, यहाँ था 70% और 100% का। तो ये 70% क्वांटिटी आई है, ये चिकन है, ये पनीर है, ये आप कह सकते हो चीज़ पराठा, पनीर पराठा कह सकते हो, और ये है चिली पटेटो, पर ये मीठे आते हैं यहाँ पे ना। तो हाँ, तो सबका ये देख लो आप, ये हमारा खाना है और इसका बिल बाद में बताऊँगा। तो भाई आज है नया दिन, कल तो बस आया मैं और पता नहीं थक सा क्यों गया, तो सो गए थे हम दोनों कल। तो आज हिमांशु भाई कहाँ लेके चल रहे हो? ओल्ड टाउन चलते हैं। ओल्ड टाउन ही मेन चीज़ होती है यूरोप में, किसी भी सिटी आप जाओगे आपको वहाँ की फील लेनी है, आप ओल्ड टाउन जाओ। उसके अलावा बहुत रेयर सिटीज ऐसी मिलेंगी जहाँ पे मतलब आपको कुछ अलग से घूमने का मिलेगा। तो यहाँ से चलते हैं, 10-15 मिनट की वॉकिंग है, देखते हैं कैसा ओल्ड टाउन है यहाँ का। पर कल से मैं जब से आया हूँ ना यहाँ पे, मेरे को फुल रशिया वाली वाइब्स आ रही है, फुल मतलब सेम बिल्डिंग, सेम मतलब बिल्डिंग जो इनका अपार्टमेंट है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैं रशिया में आ गया हूँ, पुराना सा, पुराने जमाने जैसा। तो ये तो भाई अभी शिफ्ट हो रहे हैं लिथुएनिया, मैं यहाँ से जाऊँगा 2 दिन बाद लिथुएनिया, और इनको मतलब परमानेंट शिफ्ट होना है 4 दिन बाद लिथुएनिया।
एक साल से अभी लेटविया में हूँ। yes. अब कंपनी ने शिफ्ट कर दिया तो अभी दो मेरे साथ ही चल पड़ते हैं। दो दिन पहले का होता तो, पर हाँ तो अब चलते हैं ओल्ड टाउन और देखते हैं भाई क्या है। और लेटविया का फ्लैग दिखाऊं तो मैं आपको, ये वाला है फ्लैग और बड़ा ही मतलब अलग सा फ्लैग है इनका। ये ऐसा रंग मेरे को नहीं लगता पूरे दुनिया में किसी ने यूज करा है। ये देखो भाई, आपको ऐसा लगेगा जैसे हम पुराने मतलब जमाने में आ गए हैं। यहाँ पे नई बिल्डिंग्स है हिमांशु भाई, यहाँ पे जो 10-15 माले की बिल्डिंग है, दो तीन ही है बस पूरे रीगा में वो। सारी यहाँ पे ऐसी है मतलब पुरानी। ये देखो, ये तो फिर भी थोड़ी ऐसी लग रही है रेनोवेट कर रखा है, पर ये तो ऐसा लग रहा है भाई कि 1910 की है ये सारी, ऐसा लग रहा है। हिमांशु भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा फेस्टिवल आता है, लीडो। लीडो क्या होता है उस फेस्टिवल में? फाल जलाते कुछ ऐसा होता है कुछ। हाँ, सब लोग गांव चले जाते हैं यहाँ से, सिटी से। तो सारा खाली मिलता है, सिटी पूरा खाली है। तो बंद रहती है दुकानें वगैरह? दुकान मोस्ट ऑफ बंद रहती है। अच्छा, तो कब आता है ये? जून या जुलाई में समथिंग होता है। अच्छा, तो भाई अगर उस टाइम आ रहे हो तो मत आना, कोई नहीं मिलेगा। वैसे भी यहाँ पे पॉपुलेशन वैसे ही इतनी कम है, शायद एस्टोनिया क्यों बता नहीं भूल गया था, सिर्फ और सिर्फ पूरे देश में एस्टोनिया में भाई 13 लाख पॉपुलेशन है, 13 लाख, और यहाँ पे कितनी है? 19 लाख। यहाँ पे 19 लाख है और लिथुआनिया में शायद 25 लाख कुछ ऐसा है ना, 25 लाख के आसपास है। तो भाई दिल्ली में 3 करोड़ पॉपुलेशन है, ये तीन देश और 4-5 देश और मिला दो, 6-7-8 देश और मिला दो यूरोप के, तो सिर्फ दिल्ली जितनी पॉपुलेशन बनती है यार, 13 लाख सिर्फ। और यहाँ पे लैंग्वेज बोलते हैं लैटवियन और एस्टोनिया बोलते थे एस्टोनियन। अरे भाई क्या फ़ायदा उन लैंग्वेजेस का, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। 13 लाख लोग बोलते हैं बस, और लैटविया में भी मतलब सब लोगों की लैंग्वेज वो नहीं है, मतलब 20-30% होगी तो रशियन भी होगी, क्योंकि रशियन कल्चर जाते हैं। अच्छा, क्योंकि 1991 में जब भाई USSR टूटा था, सोवियत यूनियन, तो लैटविया उसमें से एक था देश जो अलग से टूट के, तो मतलब ऑब्वियसली बात है पहले यहाँ पे सारे ऑफिशियल काम रशियन में होते ही होंगे क्योंकि सोवियत यूनियन का रूल था यहाँ पे, और उसके बाद इन्होंने अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए अपनी लैटवियन लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ करनी शुरू कर दी होगी। और कल मैं बस में आ रहा था तो बस वाला भी ऐसे कह रहा था स्पासीबा वगैरह, मतलब 4-5 जो मेरे को रशिया के शब्द आते हैं वो सारे मैंने सुने, मैंने कहा ये तो रशियन बोल रहा है, तो फिर सेकेंड लैंग्वेज यहाँ पे रशियन है। और ये आ गए हम पार्क में, ये पार करते ही ओल्ड टाउन आ जाएगा, है ना। ये देखो, ये ना इस पेड़ को सपोर्ट देने के लिए ये लगा दिया, और इस पेड़ को उस पेड़ से बांध भी दिया क्योंकि देखो गिरने से वाला है ना, इसलिए ताकि गिरे ना किसी के सिर पे, वहाँ पे बांध भी रखा है। ये कितनी मेहनत कर रखी है एक पेड़ को बचाने के लिए। ये आ गया भाई इनका फ्रीडम स्क्वायर, जैसे हर देश में मिल जाता है ये। पीछे रेडिसन होटल है और इस तरफ है अपना ओल्ड टाउन। भाई ये देखो, ये हमने ये वाले स्कूटर तो देख रखे हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर से खड़े हैं, ये कुछ अलग ही है भाई, ये रेंट करने में मज़ा आता है, पर अभी ठंड बहुत ज़्यादा है। भाई इसका थोड़ा आर्किटेक्चर ना अलग सा लग रहा है, ऊपर से ऐसे वाला हैरी पॉटर टाइप। इस चर्च में जाएंगे आगे भाई? एक तो सर्दी और ऊपर से लोग कुल 20 लाख हैं, खाली रास्ते भाई, बिल्कुल कोई भी नहीं है। देखना आगे पीछे 2-4 लोग घूम रहे हैं बस। ये भाई इनका बिल्कुल मेन स्क्वायर आ गया, यहाँ पे क्रिसमस के टाइम पे मार्केट लगता है, हिमांशु भाई बता रहे हैं। और ये वाला चर्च है वो, अच्छा लग रहा है यार मेरे को, काफ़ी मौसम भी ठीक ठाक हो रहा है घूमने लायक। देखो आ जाओ, ये भाई लैटविया की स्काईलाइन, मतलब मेन तो यही है, 3-4 बिल्डिंग जो हुई हैं।
आज, क्योंकि हिमांशु भाई भी बता रहे थे और विवेक भाई भी बता रहे थे कि एस्टोनिया सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, मतलब इन तीनों देशों में जो बाल्टिक्स के हैं, और सबसे ज़्यादा मतलब मॉडर्न भी वही है, और मतलब सैलरी भी वहाँ थोड़ी ज़्यादा है इन दोनों देशों से। तो पता नहीं वो कैसे तरक्की कर गया, ये कैसे पीछे रह गए। और यहाँ पे मतलब एस्टोनिया में जो सारे काम होते पेपरलेस है, मतलब कुछ भी मतलब कार्ड दिखाओ अपना सारा ऑनलाइन हो जाता है, पर यहाँ पे सारे पेपर वेपर भरवाते रहते हैं ना। तो ये भी। और लिथुएनिया भाई गए हैं, भाई बता रहे लिथुएनिया का ओल्ड टाउन काफ़ी बड़ा है, पर मेरे को यहाँ के ओल्ड टाउन भी काफ़ी अच्छा लगा। मतलब एक तो शांत था, लोग नहीं थे, पर क्रिसमस वगैरह भी और मस्त लगता होगा ना। वो तो है ही, क्रिसमस इनका मेन त्यौहार। तो अब जा रहे हैं एक और चर्च, वो भी दिखाते हैं, और फिर देखते हैं कहीं पे खाना वाना खाते हैं। ये आ गया भाई एक और चर्च, काफ़ी सारे मतलब चर्च हैं यहाँ पे ओल्ड टाउन में। ये भी एक चर्च है, यहाँ क्रिसमस ट्री लगता है भाई बता रहे हैं, उसके ऊपर भी जा सकते हो आप। शायद 10 यूरो की फ़ीस है, पर ठीक है 5 यूरो होती तो मैं चला जाता, पर 10 में तो मन सा नहीं कर रहा कि ऐसा कुछ खास दिखेगा नहीं। वैसे हमने सब नीचे से ही देख लिया। और कितनी सारी घड़ियाँ लगी है भाई उस बिल्डिंग पे, वहाँ पे देखो घड़ी लगी पड़ी है, यहाँ पे घड़ी लगी पड़ी है, अब यहाँ पे घड़ी लगी पड़ी है, सब चर्चिस पे मतलब घड़ियाँ लगी हुई हैं भाई। यहाँ पे बारिश भी शुरू हो गई, और मिलिंद भाई जो मिले थे ना हेलसिंकी में, उन्होंने बताया था ये एक बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है, मैंने मैग्नेट ले लिया, इनको कहते हैं रीगा थ्री ब्रदर्स। अब ये तीन अलग अलग टाइप की बिल्डिंग है, मैं इनके बारे में पढ़ भी रहा था ऑनलाइन, अभी दोबारा भी पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ी मतलब ओले से गिर रहे हैं, मतलब 5 डिग्री टेम्परेचर है, इसलिए थोड़े ऐसे गिर रहे हैं कि मतलब बर्फ स्लो नहीं गिर रही, बर्फ स्लो स्लो गिरती है थोड़ी मतलब स्लो मोशन से, मैं ये थोड़ा तेज़ गिर रहे हैं। तो इस पे चलते हैं, और मैग्नेट में ले लिया, एक सुवेनियर दुकान दिखी मेरे को मुश्किल से पूरे ओल्ड टाउन में, होंगी और भी, पर घूमते घूमते ये दिखी, 3 यूरो में पड़ा, तो ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलते हैं इसी वाले कॉम्प्लेक्स पे, और अब रुक गई बारिश लगभग 3 ब्रदर्स क्या है पता नहीं क्या है, वो बता रहे थे कि सबसे ओल्डेस्ट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है पूरे रीगा में, कुछ ऐसा है 15th सेंचुरी में बना हुआ। देखाते हैं क्या है, इतना खास तो लग नहीं रहा, मतलब क्या है पर समझ में नहीं आ रहा क्यों, मतलब इतना खास है, अलग से विकिपीडिया पेज भी है उसके बारे में, तो देख के आते हैं। और मैग्नेट भी है बताओ, तो मतलब फेमस तो है चीज, देखते हैं चलो। क्या कह रहे भाई, बारिश कैसी लग रही है? भाई कह रहे थर्माकोल लग रहा है, थर्माकोल गिर रहा है। ये है भाई वो जो मैंने मैग्नेट लिया है, 3 ब्रदर्स रीगा करके, उसका एड्रेस है 17, जो भी स्ट्रीट का नाम आ गया, इसका 19 और इसका 21। सबसे पहले बनी थी ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, तो मतलब आज तो प्रोटेक्टेड बिल्डिंग्स हैं आर्किटेक्ट ऑफ मतलब रीगा को दिखाने के लिए कि सबसे पहले देखो ये बनी थी 15वीं सदी में, मतलब 600 साल पुरानी बिल्डिंग हो गई है। तो आते हैं लोग देखने, मेरे को तो देखो सच बताऊँ तो इतना कुछ खास लगा नहीं, पर ठीक है आए थे तो देख ली। देखो और यूरोपियन सिटीज़ की तरह यहाँ पे भी ताले ही ताले। और भाई कई बार ना इनका वजन भी इतना ज़्यादा हो जाता है कि ब्रिज गिर जाते हैं, या देखो सोचो इनका कितने हजारों किलो वजन हो गया होगा उस तरफ भी इस तरफ भी। तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में। आज मेरा लेटविया में हो गया चौथा दिन होगा शायद 26, 27, 28, 29, हाँ नाइट 3 स्पेंड करी यहाँ पे। तो कल तो भाई अपने किसी काम से लिथुएनिया चले गए थे, तो मेरे को अकेला ही छोड़ गए, तो मैंने कल कुछ भी नहीं करा क्योंकि कुछ था ही नहीं करने को। बॉल्टिक्स में फालतू में इतना एक्स्ट्रा रुक गया, क्योंकि एक दिन का सही है, आओ रेस्ट करो, अगले दिन पूरा घूमो, और उससे अगले दिन आप बस लेके चले जाओ। तो अभी मैंने यहाँ से बुक कर रखी है फ्लिक्स बस, जो लगाएगी 4 घंटे पहुँचने में लिथुएनिया की कैपिटल विल्नस। तो वो मेरे को पड़ी है $7 की, प्लस उस पर $4 ये कुछ मतलब सर्विस चार्ज से लगाते, तो $11। पर भाई की ऐप में लगा नहीं रहे थे सर्विस चार्ज, पर वो भाई क्या कह रहे थे कि $2.5 की आपको सीट सेलेक्ट करनी पड़ेगी कंपलसरी। तो मतलब वही है, मतलब लगाए ना लगाए पता नहीं, पर ऐप डिफरेंट कैसे हो रही है, पर मेरे को पूरी बस मिली है, पूरी बस नहीं मतलब एक सीट $11 में। तो एक दिखा रहा था ऑप्शन, आप यूरो में पे करना चाहते हो या डॉलर में, और सेम आ रहा है, तो मैंने कहा डॉलर में पे करता हूँ मैं, तो मेरे को क्या दिक्कत है, तो उसमें डॉलर में थोड़ी और सस्ती पड़ गई। तो चलते हैं यहाँ से बस स्टेशन, और रात को पहुँचेंगे 9:30 बजे। अब लगभग ये मान लो 8:30 तक तो ऐसा खास अंधेरा होता नहीं है,
9 बजे के आसपास अंधेरा होता है। तो चलते हैं अपनी 94th कंट्री में। भाई ये आ गई अपनी बस, फ्लिक्स बस 1234। साइड में खड़ी है लक्स एक्सप्रेस, इसमें हमें आया था, इसमें चलते हैं। और ये है यहाँ का बस स्टेशन। चलो हिमांशु भाई, कल मिलते हैं कहीं और। बाय बाय। तो भाई 4 घंटे के बाद मैं पहुँच गया हूँ विल्नस के बस स्टेशन पे। ये खड़ी अपनी पीछे बस, पूरे बस स्टेशन पे अपनी बस है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर मैंने करा हॉस्टल बुक। सबसे सस्ता हॉस्टल तो वैसे आ रहा था 12 यूरो का, नहीं 13 यूरो का, पर मैंने किया 14 यूरो वाला बुक, क्योंकि वो थोड़ा सिटी सेंटर के पास था, कम चलना पड़ेगा, ओल्ड टाउन के पास है। तो इस टूर का पहला देश है भाई यूरोप में कि जिसमें मेरे को, अबे कहाँ जा रही है गाड़ी, जिसमें मेरे को कैश निकलवाना पड़ गया। क्योंकि जिस हॉस्टल को मैंने बुक किया ना, उसका मैसेज आ रखा है कि हम सिर्फ कैश लेते हैं, या फिर पेपैल करो या फिर बैंक ट्रांसफ़र करो। तो 28 यूरो तो हॉस्टल वालों को ही देने हैं, तो मैंने 50 निकलवा लिए। अब तो निकलवा ही रहा था, तो वैसे निकलवाने का ऑप्शन 10 यूरो का भी आ रहा था उस बैंक में, फिर मैंने कहा 50 निकलवा लेते हैं, बच गए पड़े रहेंगे आगे की ट्रिप्स के लिए। एक बार बस हंगरी में निकलवाए थे मैंने, क्योंकि वो मेरे को कलेक्ट कर रहे थे पैसे, और यूरो यूज़ करने वाले में नहीं निकलवाए मैंने कहीं पर, प्राग में भी हर जगह कार्ड चल जाता है यहाँ पर। तो भाई स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए दिन में, और आज मैं विल्नस लिथुएनिया। तो अभी यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट पे खाना खाया था हमने, और यहाँ पे जो मैं कई बार अमेरिका को क्रिटिसाइज़ करता हूँ टिप्स के लिए, यहाँ पे मेरे साथ एक और इंडियन भाई आओगे वीडियो में हैं नहीं तो भाई विनय भाई हैं, तो इन्होंने कहा खाना खाने के बाद कि भाई हमको 5 यूरो टिप देने का मन है। भाई वेटरस लेना नहीं चाहती टिप, कह रही है भाई हमारी मशीन नहीं चल रही, नहीं सर नहीं होता ऐसा, बिल के साथ हम ऐड नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। और अमेरिका में कल परसों में एक ट्वीट पढ़ रहा था, किस तरफ चलना है, चलते चलते करते हैं बात। तो अमेरिका में कल परसों में ट्वीट पढ़ रहा था, एक बिल आया एक फैमिली का $700, और उस फैमिली ने 10% टिप करी, मतलब $70 कुछ। तो वो वेटर्स कह रही है कितने गंदे लोग हैं, मेरे को $70 टिप दे के गए, बस $140 20% टिप देनी चाहिए थी, मेरी मिनिमम वो है। और यहाँ पे देखो यार, मतलब वो अगली खुद कह रही है नहीं भाई मेरे को लेनी ही नहीं है, पर फिर हमने ज़बरदस्ती करके, मतलब कि देख लो मशीन चल रही है आपकी टिप वाली तो ठीक है, कहती वो कभी कभी चलती कभी कभी नहीं चलती, तो आखिर में मतलब 10% टिप दे दी हमने वहाँ पे। तो ये थोड़ा अंतर है। तो आज हम घूमेंगे विल्नस का शहर, और थोड़ी देर बाद शायद 1 घंटे बाद सनी भाई आएंगे, वो हमको विल्नस से थोड़ा दूर लेके जाएंगे ना, कहाँ पे तरक्का है, वो कह रहे थे कैसल है लेक के बीचों बीच, काफ़ी अच्छा है। तो मैंने कहा ठीक है भाई चल लेंगे, यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर है शायद। तो अभी घूमते हैं यहाँ पे सिटी सेंटर। ये इनका मेन कैथीड्रल है, ये क्या है, अच्छा चर्च है ये, तो चलो देखते हैं कैसा रहता है विल्नस शहर। तो भाई ये है यहाँ का विल्नस का सबसे महंगा होटल बता रहे हैं विनय भाई, और मतलब जितने भी डिप्लोमेट्स वगैरह कभी भी आते हैं तो यही रुकते हैं, मतलब मेन होटल है ये, महंगा पता नहीं है या नहीं। और यहाँ पे जी वैगन जो इंडिया में तो बड़ी रेयर है, यहाँ पे कॉमन है। चलो आज चलते हैं। तो भाई यहाँ पे एक चीज़ मेरे को इतने देश घूमने के बाद ना आज पता चली है, क्योंकि ये वही बात बता सकते हैं जो मतलब अपने बच्चों को स्कूल भेजते हूँ। तो विनय भाई का जो बेटा है बेटी है बेटा स्कूल जाता है, तो किंडरगार्टन में है ना अभी, तो ये बता रहे कि अभी मतलब बच्चों की लाइन, जब हम रेस्टोरेंट जा रहे थे तो बच्चे कहीं घूमने जा रहे थे, और फिर हमारे आते वक्त मतलब वो बच्चे वापस भी जा रहे थे जब हम खाना खा रहे थे, तो वो बोले 12 बज गए ना अब बच्चों को सुलाने का टाइम हो गया। मैंने कहा सुलाने का टाइम हो गया भाई, कहाँ सुला देते हैं इनको। तो फिर वो कह रहे भाई स्कूल में ही बेड वेड होते हैं भाई, उन पर बच्चों को सुला देते हैं भाई। तो यार ये मतलब अलग ही सिस्टम चल रहा है, स्कूल में बच्चों को सुला रहे हैं, ये इंडिया में तो नहीं होता भाई। और इन्होंने बताया स्कूल का टाइम होता है 7:30 बजे आप सुबह बच्चे को छोड़ सकते हो किंडरगार्टन में, और शाम के 5 बजे लास्ट टाइम होता है कि आप उस बच्चे को लेके चले जाओ। 3 टाइम खाना देते हैं, और हर मील का 2-3 यूरो कुछ ऐसा होता है ना, 2 से 3 यूरो। और अगर किसी दिन मतलब आपका बच्चा मान लो किसी दिन घर नहीं गया, वो मतलब घर नहीं गया स्कूल नहीं गया, तो उस मील के पैसे भी नहीं लेते ये लोग। तो इंडिया में ऐसा नहीं होता, अगर इंडिया में सिस्टम होगा भी ना तो कहेंगे 30 दिन का इतना खर्चा आपको देना है, खाए चाहे बच्चा ना खाए हमारी गारंटी नहीं है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मतलब जिस दिन खाएगा बच्चा उसी दिन मतलब वो मील के पैसे, मील के पैसे छोड़ो भाई सुलाने का तो सिस्टम ही अलग है यार, ये तो हमारे स्कूलों में भी होना चाहिए, नींद सी आ रही है सो जाओ। तो अब यहाँ पे आ गए ये कैथीड्रल जो रोड क्रॉस करके, और ऊपर जा रहे हैं जहाँ से मतलब विल्नस दिखता है, लिथुएनिया कैसे दिखेगा भाई, विल्नस शहर का व्यू लेंगे।
भाई उस तरफ है सारा ओल्ड साइड, इस तरफ है सारी नई नई बिल्डिंग्स, और उस वाली बिल्डिंग के ऊपर लिखा है भाई बता रहे ट्रांसलेट करके, पुतिन नरक तेरा इंतजार कर रहा है कुछ ऐसा, मतलब यूक्रेन के सपोर्ट में झंडा भी बना हुआ ऊपर लिख भी रखा है। तो हम आ गए थे भाई कासल के ऊपर, और इसके ऊपर जाने की और फीस है, और यहाँ पे आप पैदल भी आ सकते हो या फिर आप वो छोटी सी ट्रेन सी भी ले सकते हो, 2-4 यूरो की होगी। इसके ऊपर जाने का 6 यूरो था, तो हम तो ऊपर गए मतलब यहीं से सब कुछ दिख जाएगा आपको, तो आ सकते हो, ठीक ठाक जगह है, मतलब इतनी मतलब खास नहीं है पर अच्छी है, विल्नस शहर का पूरा नज़ारा मिलता है और फ्री है एक तरह से। इसका ज़्यादा फ़ायदा है कि मतलब आपसे पैसे नहीं ले रहा कोई ऊपर तक आने के। अभी कॉफ़ी पीने बैठ गए थे ऐसे ही, और ये क्या है नाम है इसका, कैनेल है, ये यहाँ की डिश बता रहे हैं, देखते हैं कैसी है। यार लिथुएनिया में पूरा सपोर्ट तो देखो, ऊपर ऊपर से यूक्रेन का पूरा सपोर्ट दिख रहा है, पर कल भी मैं एक न्यूज़ देख रहा था कि जैसे इन्होंने एक यूरोपियन यूनियन का फंड बनाया है जिससे आप यूक्रेन को वेपन्स आप सप्लाई करो और फिर आप उससे अपने पैसे वापस ले लो उस फंड में से जितने आप वेपन्स उसको दोगे। तो एस्टोनिया, लिथुएनिया, लेटविया, फिनलैंड, इन सब ने पता है क्या करा, मतलब खबर आई है 1980 सोवियत टाइम के बहुत पुराने हथियार यूक्रेन को भेज दिए और उन हथियारों की नई के हिसाब से वैल्यू लगा के पैसे ले लिए, अपने सारे नए कर लिए हथियार और यूक्रेन को भेज दिए सारे पुराने। तो यार वही है, मतलब बेचारे यूक्रेन को इन सब देशों ने मिलकर मरवाया है, और असली में यूक्रेन को लग रहा है कि ये देश हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, पर ऐसा है नहीं मेरे हिसाब से, तो भाई सीधा कह देते। और इतना ही हमदर्दी थी, 10 सालों से बेचारा यूक्रेन कह रहा है कि हमको यूरोपियन यूनियन में आना है, पर उसको बेचारे को आने ही नहीं दिया। तो यूक्रेन को भी समझना चाहिए था कि भाई ये हमारे दोस्त हैं ही नहीं, ये हमको आने देना ही नहीं चाहते यूरोपियन यूनियन में, तो क्यों फालतू में जिससे दोस्ती चल रही है, अच्छा खासा रशिया से ट्रेन्स चलती थी, देखो इंडिया पाकिस्तान में सोचो कितनी लड़ाई होगी ट्रेन नहीं चलती, पर मैं खुद रशिया से यूक्रेन ट्रेन में बैठ के आया था और उस ट्रेन में इतने रशियंस यूक्रेनियंस आते थे, नॉर्मल चलती थी, नॉर्मल बॉर्डर क्रॉसिंग वगैरह थी। उस दोस्ती को भी इन्होंने तोड़ लिया, कुछ बचा ही नहीं, और यहाँ पे भी यही चल रहा है, बस झंडे लगा दिए हैं अपना मतलब। और आपके बता रहे थे आपसे पैसे भी लेते हैं ना ये, मतलब कंपनी रिक्वेस्ट करती है कि हर महीने मतलब थोड़ा हमको मतलब ऐसे अपनी सैलरी में से पैसे दे दो, कपड़े दे दो कि हमको यूक्रेन भेजने हैं, तो एक तरह का सारा दिखावा ही चल रहा है। कोई मतलब वही बात है यार, आज की दुनिया में कोई बंदा दूसरे बंदे के बारे में सोचता है यार, ये तो पूरा देश है, क्यों सोचा है किसी दूसरे के बारे में। अभी जैसे हम इस स्ट्रीट पे घूम रहे हैं, आप देखोगे कितने सारे यूक्रेन के झंडे आपको दिख रहे होंगे, पर ये सिर्फ मतलब दिखा रहे हैं। बसों पे भी ऊपर वो जहाँ पे लिखा होता है ना कि ये नंबर बस है यहाँ जा रही है, उस पे भी लिखा है विल्नस, बीच में दिल बना के यूक्रेनिया, उन सबसे थोड़ी ना कुछ हो रहा है भाई उन सबसे ना उनको हथियार मिल रहे, ना वो जंग जीत रहे, मर गया भाई एक देश मतलब इनकी बेवकूफ़ी की पंथी की वजह से, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गए थे भाई हम तरकाई सिटी में, और ये जो सिटी है ये अराउंड 40-45 किलोमीटर दूर विल्नस से, और यहाँ पे है एक लेक के बीचों बीच कासल जो मैं आपको भी दिखाऊंगा, जैसे स्लोवेनिया में भी है, वहाँ जाने का मेरे को टाइम नहीं मिला, तो यहाँ पे देख लेते हैं। और ये बड़ा गांव सा है देखो, मतलब ऐसे ऐसे घर आए हैं बीच में सारे, तो बड़ा खाली, देखो इस तरफ भी ऐसा सा ही है, तो कैसल जा सकते हैं उसके अंदर भी, तो यहाँ से दिखाता हूँ पहले कैसा है, बढ़िया लग रहा है मतलब अलग चीज़ है। सनी भाई हैं जिनका मैं बता रहा था, तो वहाँ पे तो हम घूमा है, तो एक चीज और बतानी थी, तो 18 साल हो गए ना आपको यूरोप में, टोटल में, और लिथुएनिया में, लिथुएनिया में हो गए कम्प्लीटली मेरे को अभी हो जाएंगे 14 साल पूरे, 14 इयर्स हो जाएंगे, तो 14 साल यहाँ पे पूरे हो जाएंगे। और आपको पासपोर्ट के लिए कब एलिजिबल हो गए थे आप? मैं 2016 में, और मेरे को अप्रूव्ड हो गया था मेरा पासपोर्ट 2016 में, पर आज का जो दिन है जिस दिन मैं लिथुएनिया आया, आज इनका पासपोर्ट ही देखो, लिथुएनिया का पासपोर्ट ऐसा दिखता है, ये अप्रूव होके आया है। इसमें क्या दिक्कत आ गई थी? इसके अंदर दिक्कत ऐसी आई कि मेरा जो सरनेम है वो W के साथ है, अग्रवाल, इनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो W है ही नहीं है, उनके पास है V, और जब मेरी प्रेसिडेंट डिग्री होती है, जब मिलती है किसी को भी पासपोर्ट किसी
किसी कंट्री का मिलता है तो प्रेसिडेंट पहले डिग्री साइन करता है, तो जब मेरी डिग्री आई तो उसके ऊपर वी था, तो हमने कंफर्म किया कि ये वी बाय मिस्टेक आया है या दिया नहीं है, तो वो बोले कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है, डब्ल्यू ही नहीं है। तो उसकी वजह से फिर मैंने इंडियन एम्बेसी से कॉन्टेक्ट किया, वो बोले कि हम तो इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आपको आपके पास अगर ये पासपोर्ट आप ले लेते हो, सिटीजनशिप ले लेते हो वी के साथ, तो आप इंडिया के लिए आपको ओसीआई में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि आपकी कोई भी आइडेंटिटी जो भी मेरे पास है जैसे इंडिया का कोई, हाँ वो मैच ही नहीं होगी। और वीजा ले सकते हो आप इंडिया का लॉन्ग टर्म, तो मेरे को वीजा नहीं चाहिए था क्योंकि मेरे पास इंडिया में भी बैंक है, घर, प्रॉपर्टीज, बैंक अकाउंट सब कुछ था। तो उसके लिए फिर अब ये माने ना, अब क्या किया कि काफी मैंने एडवोकेट से, कईयों से मैंने कंसल्ट किया कि करना क्या है, तो फिर वाया कोर्ट के रास्ते लिया मैंने, मैं इनके कॉन्स्टिट्यूशन को मैंने चैलेंज किया था पूरा का पूरा। तो अब इनको डब्ल्यू मिल गया है पासपोर्ट, मेरे को कल मेरी ओथ थी, तो अब मेरे को दिया है, और कल ओथ थी, आज ही पासपोर्ट प्रिंट भी करके दे दिया, आज ही करवाया मैंने, सुबह मेरी पिक्चर हुई एक्चुअली पासपोर्ट के लिए और प्रिंट करके दे भी दिया। भाई आज का दिन हो गया है खत्म, और कल सुबह 11 बजे की मेरी फ्लाइट है विल्नस से अपनी टर्की, और टर्की से अपनी इंडिया। तो अब चलते हैं हॉस्टल की तरफ और सोते हैं। वैसे आपको लग रहा होगा दिन चल रहा है, पर ये रात के 8:30 बज चुके हैं। इस ट्रिप को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मेरे को पता है मैंने आखिरी में लैटविया, लिथुएनिया और एस्टोनिया में इतनी वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि मैं भी थक गया था, टूर के आखिरी में सभी थक ही जाते हैं, और फिर घर जाने की भी जल्दी थी। तो मैं निकला था भाई घर से जनवरी की स्टार्टिंग में 3-4 तारीख को, और अब अप्रैल में 3-4 तारीख हो गई है, लगभग 3 महीने मैं घूमा। 3 महीने में मैंने भाई नए 32 देश करे हैं, 32 नए देश। आपको लगेगा भाई ये कौन सा घूमना हुआ, हर दूसरे तीसरे दिन नया देश। पर अगर आप मेरे को बहुत दिनों से, मतलब शुरू से सीरीज़ देखते आ रहे हो, तो आपको पता है मैंने कौन से देश घूमे हैं, क्योंकि जब मैं पहले घूमता था तो भाई 4 सालों में मैंने सिर्फ 33 कंट्रीज़ करी थी, 4 सालों में, और मैं 3 महीने में कर गया इतनी, क्योंकि वो सारी थी बड़ी बड़ी कंट्रीज़, तब मेरे पास शेंगेन वगैरह वीज़ा होते नहीं थे, और शेंगेन वगैरह की कंट्रीज ऐसी हैं छोटी छोटी, आप 30 दिनों में आराम से 10 कंट्री घूम सकते हो, ज़्यादा भी कर दोगे अगर करना चाहोगे तो। और फिर कैरेबियन आइलैंड कुछ नहीं है, वो छोटे छोटे आइलैंड हैं, मतलब बिल्कुल एक गांव से भी छोटे इंडिया के, और वो अपने आप को कंट्री बना के बैठे हैं, तो कंट्री है तो है भाई। तो कंट्री काउंट हमारा काफ़ी बढ़ गया है भाई पहले 4 साल कुछ भी नहीं बढ़ा था, या फिर किसी को पहली बार में शेंगेन अमेरिका वीज़ा मिल जाता है तो उसका मतलब शुरू ट्रैवलिंग के शुरुआत के 3 महीने में 30-40 कंट्री हो जाती है, जो हमको 4 साल लग गए थे करने में 33 कंट्री। तो अब मेरे पास सारे वीज़ा आ चुके हैं, मेरा US भी अप्रूव हो गया है, मेरा कैनेडा भी कल अप्रूव हो गया, तो अभी बस इंडिया जाके मेरे को एम्बेसी में सबमिट करना है पासपोर्ट, और वो चिपका के दे देंगे मेरे को वीज़ा। पैसे भी बहुत सारे खर्च हो गए, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और हमारा कंट्री काउंट जो रुका है फाइनली आके इस ट्रिप के बाद, वो है 94 कंट्रीज़ पे। लिथुएनिया मेरी 94th कंट्री थी, और अब इस साल के एंड तक मेरा टारगेट है कुछ 135 कंट्री तक करने का। अब जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता जाऊँगा मैं, वैसे वैसे हर कंट्री करनी मुश्किल होती जाएगी, थोड़ी अभी मतलब 110-115 तक इजीली चलेगा मामला, फिर धीरे धीरे मुश्किल होती जाएंगी, वीज़ा मुश्किल होंगे, पैसे के खर्चे ज़्यादा होंगे, क्योंकि ऐसी ऐसी जगह कंट्री है मतलब वहाँ पे पहुँचना ही पहली बात मुश्किल है, आप वीज़ा तो छोड़ दो, वीज़ा तो है ही इंडियंस के लिए सारे मुश्किल, फिर भाई पैसे भी लगेंगे, तो धीरे धीरे मुश्किल होती जाएगी, पर हम सारी कंट्रीज़ करके मानेंगे, उसमें कोई दो राय है नहीं। तो अभी मैं हूँ टर्की एयरपोर्ट पे, 6 घंटे का लेओवर था मेरा, अब चलते हैं यहाँ से अपनी इंडिया की फ़्लाइट लेते हैं, वापस इंडिया पहुँचते हैं, अगले टूर की तैयारी करते हैं। मैं 1.5 महीना इंडिया रहूँगा, तब तक मैं सारी पुरानी टूर की वीडियोज़ एडिट करके सारी ख़त्म कर दूँगा, और फिर 1.5 महीने बाद हम चलेंगे अगले टूर पे। तो तब तक के लिए गुड बाय भाई, 1.5 महीने तक मेरे को वीडियो नहीं बनानी है, बस एडिट करनी है, रेस्ट करना है, और अगले देशों के वीज़ा अरेंज करने हैं। तो अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, खैर आपके लिए तो 2-3 दिन बाद ही आ जाएगी अगली वीडियो, पर मेरे लिए घूमना शुरू होएगा 1.5 महीने बाद। तो बोर्डिंग हो चुकी है चालू, हम चलते हैं अपने प्लेन में।